हेलो ऑल, डॉग बाइट बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज मोस्टली घरों में आजकल डॉग पाए जाते हैं और स्ट्रीट डॉग्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। तो डॉग बाइट हो या एनिमल बाइट हो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिसे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। मिथ नंबर वन कि डॉग बाइट होने के बाद हमें 10 दिन वेट करना चाहिए। अगर 10 दिन में कुत्ता सही है तो फिर हमें रेबीज वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है, इफ़ डॉग इज़ वैक्सीनेटेड तो भी हमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ये भी दूसरा मिथ है। तीसरा मिथ है कि जब डॉग काट ले हमें तो कई लोग होते हैं हल्दी लगाते हैं, सिंदूर लगा देते हैं कि इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है। तो इन सब को क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब डॉग हमें या फिर कोई भी जानवर हमें काटे तो हमारा सबसे पहला काम है घाव को रनिंग वाटर के अंदर सोप वाटर से बहुत अच्छे से उसे धोना, कम से कम भी 5 से 10 मिनट के लिए। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपका घाव बहुत ज़्यादा गहरा है, यू इमिजिएटली नीड टू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देंगे और आपको पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस रेबीज वैक्सीन लगाने को कहेंगे। रेबीज वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेबीज अगर किसी को हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है, हम बस इसे प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, बिकॉज रेबीज अल्टीमेटली डेथ को लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक और मिथ है, जिसको कुत्ते ने काट लिया उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो पानी के पास जाना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रेबीज वैक्सीन हमारे ब्रेन तक फैलता है तो ब्रेन हमारे कुछ मसल्स को बहुत ज़्यादा जकड़ देती है, और सबसे ज़्यादा जकड़न ये गले के मसल्स पे डालती है। तो हम जैसे ही पानी देखते हैं या फिर कुछ खाने की सामान को देखते हैं तो वो जो फियर है कि हमें कुछ भी खाएंगे पिएंगे हमें दर्द होगा, इसलिए उस दर्द की वजह से हम पानी से दूर भागते हैं या खाने पीने की चीज़ों से दूर भागते हैं। यही है रीज़न हाइड्रोफोबिया कहलाने का, ना कि ऐसा है कि कुत्ते ने काटा तो वी बिहेव लाइक डॉग और कुत्ते को पानी से डर लगता है तो हमें भी डर लगने लगा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो प्लीज़ जितने जल्दी हो, अगर कोई भी एनिमल या डॉग ने आपको काटा हो, इंस्टेंटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ले और अपना वैक्सीनेशन कराएं, और जो भी अपना हुंड है उसे अच्छी से देखभाल करें और इन्फेक्शन ना फैलने दे। थैंक यू।